स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। बुक है वितान और अध्याय का नाम है जूझ। इसके इजी नोट्स आपको बताऊंगा काफी जल्दी और काफी अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर समझा दूंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए परिचय से स्टार्ट करते हैं। जूझ आज का जो हमारा अध्याय है, ये मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित उपन्यास है। ठीक है, जो मतलब जिसने इस अध्याय को लिखा है, ठीक है, ये अध्याय नहीं है बेसिकली, ये एक पूरा बहुत बड़ा उपन्यास है। आपकी जो सिलेबस में दिया गया है, ये छोटा सा सिर्फ अंश है उनके उपन्यास का। ठीक है, और आनंद यादव जी ने इसे लिखा है। इसी उपन्यास का एक अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में जूझ नाम से संकलित है। ठीक है, हमारी पाठ्यपुस्तक के अंदर हम उनके उपन्यास का सिर्फ छोटा सा एक अंश पढ़ने वाले हैं चैप्टर के रूप में। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है, यानी कि इसमें एक लड़का होगा, ठीक है, और वो लड़का जो है उसका जीवन किस तरीके से संघर्ष में बीता, कैसे वो पढ़ने के लिए कितना ज्यादा उसने संघर्ष किया, वो सब हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेखक की परेशानी, लेखक ने मतलब आप ये समझ लो आनंदा, ठीक है, आनंद भी कहीं जगह इसको कह सकते हैं हम। तो लेखक ने अपने बारे में बताया है, लेखक की परेशानी क्या थी, आइए देखते हैं। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के काम में लगा दिया। ठीक है, तो लेखक के पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो लेखक हैं आनंद हैं, ठीक है, जो आनंदा हैं, वो बिल्कुल भी कुछ ना आगे पढ़ें, खेती में ही मतलब वो खेतों में पानी वगैरह दें और वही काम करें और कोल्हू पर काम करें। तो ये सब लेखक के पिता चाहते थे। लेखक लेकिन पढ़ना चाहता था, ठीक है, वह जानता है कि खेती में भाई जन्म भर काम करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आएगा, मैं पूरे साल और पूरे मतलब अपने जीवन भर खेती करता रहूं तब भी कुछ नहीं मिलना मुझे, पढ़ लूंगा तो नौकरी लग जाएगी। इस बात की वह अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि भाई कैसे कहूं, क्योंकि दादा दादा उन्होंने एक्चुअली अपने पिता को ही कहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दादा अगर इस प्रस्ताव को सुनते, भाई पढ़ाई करूंगा मैं और मैं खेती पे मैं मतलब नहीं जाऊंगा, तो उसकी पिटाई हो जाती लेखक की यानी कि आनंदा की। अब क्या होता है, माँ से मिलकर वो कुछ योजना बनाता है लेखक यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो आनंद है। कोलू का काम समाप्त हो चुका था, लेखक की माँ कंडे थाप रही थी। कंडे क्या होता है आपको पता होगा, मैंने फोटो भी लगा दी है। तो लेखक की माँ इस काम में बिजी थी, लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था, लेखक यानी कि आनंदा। और वो इस एकांत को देखकर लेखक ने माँ से बात करने का अच्छा अवसर समझा। उन्होंने अपनी बातों को अपनी माँ से शेयर करने की सोची, क्योंकि पापा यानी कि अपने दादा मतलब उनको वो दादा कहते थे लेकिन थे उनके पिता, अगर वो उनको कहते तो उनकी पिटाई होती लेखक की। अब उन्होंने ये समझा कि अपनी माँ के साथ अपनी फीलिंग शेयर करूं मैं। लेखक की माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए बोला कि तेरा दादा तेरे पढ़ने की बात चलाने पर अगर कोई मैं ऐसी बात छेड़ती हूँ पढ़ाई की, तो वो तो जंगली सूअर की तरह गुर्राता है, यानी कि गुस्सा करते थे वो। लेखक ने माँ को सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करे। ठीक है, अब ये कौन थे आइए मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लेखक ने बोला कि मतलब आप उनसे कहकर देखो, और माँ ने इस प्रस्ताव को मान लिया। भाई माँ तो हर बात को मान लेती हैं, और ये तय हो गया कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाने वाले हैं, लेखक और उनकी माँ। अब क्या होता है, आनंदा की जो माँ है वो ये चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं कक्षा तक तो जरूर पढ़े, लेकिन आनंदा का पापा जो है यानी कि जो उसके पिता थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे पढ़ाई करे। लेकिन दादा जो है वो मतलब दादा के आगे किसी की नहीं चलती थी भाई, दादा तो उसे खेत पे छोड़ते थे आनंदा को। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची, क्योंकि वही पाठशाला जाने के लिए दादा को समझा कर राजी कर सकते थे। अब एक ही आदमी की सिर्फ वो बात सुन सकता था, लेखक का जो पिता था, और वो आदमी का नाम है दत्ताजी राव सरकार। अब दत्ताजी राव के बारे में देखते हैं। देखो, दत्ताजी राव देसाई इनका पूरा नाम है। ये गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनकर कहा कि दादा को मेरे पास भेज देना, ठीक है, यानी कि लेखक के पिता को। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने, ठीक है, जो दत्ताजी राव थे वो भी चाहते थे कि भाई यहाँ जो लेखक है आनंदा है वो कुछ करे। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि भाई अब जनवरी का महीना है, अब भी मुझे यदि पाठशाला भेज दिया गया तो मैं 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी कर लूंगा। आपको पता है मार्च में एग्जाम होते हैं, तो मतलब यही कहा लेखक ने कि मैं अपनी तैयारी कर लूंगा और परीक्षा में पास हो जाऊंगा, इस तरह मेरा 1 साल बच जाएगा, मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है, ऐसा आनंदा ने कहा। दादा की करतूतें सुनकर राव जी क्रोध में आ गए, उन्होंने कहा मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ। आपको पता है दादाजी क्या क्या कहते थे कि भाई खेतों में पानी देना है, कोल्हू पे काम करना है, पढ़ाई नहीं करनी, ये वो, ये सब बातें सुनकर दत्ता जी को गुस्सा आ गया।
अब राव जी ने क्या योजना बनाई, आइए देखते हैं। राव ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना, और घड़ी भर बाद यानी कि थोड़ी देर बाद तू भी कोई बहाना बनाकर मेरे पास ही आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत कर दिया था कि हम दोनों को यहाँ आने की बात दादा को ना बताएं, ठीक है, बिल्कुल भी, वरना इनको अपना डर था भाई, इनकी कुटाई कर देते दादाजी तो, ठीक है। तो राव जी ने कहा कि तू भाई बिल्कुल डरो मत, निडर रहो, मैं जो जो पूछूंगा तुम बता देना मुझे। योजना जो बनाई गई भाई, उसके अनुसार लेखक की माँ ने दादा को राहुल जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव यानी कि जो मतलब जो राव जी थे, ठीक है, उनके यहाँ पे लेखक की माँ ने दादा को भेज दिया। क्या कहकर भेजा कि भाई राव साहब ने आपके साथ मतलब वहां पे कुछ बात करनी है, ठीक है, और आपको वहां पे बुलाया है, बहुत दिन से वो कह रहे थे आपको देखा नहीं है, तो आपको मेरे पास भेज देना। तो ऐसा लेखक की माँ ने उसको लेखक के दादा को कहा। अब आगे देखते हैं, लेखक का दादा बुलावे को सम्मान समझकर तुरंत चला गया। भाई उसने सोचा राव साहब ने मुझे कैसे बुला लिया, आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ खाना खाने के लिए बुला रही है, जा। तो इस बहाने से लेखक भी वहां पहुंच गया। आपको पता है ना प्लान क्या था, कि राव जी ने कहा था कि थोड़ी देर बाद घड़ी भर बाद तू भी आ जाना, ठीक है। तो राव जी ने लेखक से पूछा आनंदा से कि कौन सी में पढ़ता है रे तू। लेखक ने बताया 5वीं में था, किंतु पाठशाला नहीं जाता, क्योंकि उत्तर में मतलब जब पूछा कि क्यों नहीं जाता, तो उत्तर में लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर रखा है। भाई दादा तो अब साइड में खड़े थे, दादा की हवा टाइट हो रही थी, क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम तो मुझे दिया हुआ है दादा ने। अब ये सब बातें तो बुरी लग रही थी राव जी को। राव ने लेखक के दादा से जब सच्चाई जाननी चाही, तो उसने लेखक के कथन को मान लिया। भाई दादा ने बोला हाँ मैं ऐसा करता हूँ। इसके बाद सरकार ने यानी कि राव जी ने लेखक के दादा को जो फटकार लगाई भाई, बहुत बुरी तरह, कहा कि खुद तो तू खुले सांड की तरह घूमता है, तू लुगाई और बच्चों को खेती में भेजता है, खेत जुतवाता है उनसे। सरकार ने लेखक से कहा तू कल से पाठशाला जाइयो, मास्टर को फीस दे, मन लगाकर पढ़, साल को बचाना है, यदि यह तुझे पाठशाला ना जाने दे तो तू मेरे पास चले आना, मैं तुझे पढ़ा दूंगा। अब फिर क्या होता है, लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेल में जाने, घर के काम में ध्यान ना देने, इतने आरोप लगाए दादा ने कि भाई ये जो आनंदा है ये तो ये सब करता है, लेकिन ये सब झूठ था। लेखक ने अपने उत्तर से देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया, यानी कि जो दत्ता जी थे उनको लेखक ने समझा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राव जी ने पूछा तू कभी फेल तो नहीं हुआ, लेखक के मना करने पर उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया गया। तो अब यहाँ से लेखक जो है आनंदा, अब वो जाएंगे। अब दादा ने एक शर्त रख दी भाई कि ये शर्त पूरी करेगा तब तुझे जाने दूंगा मैं पढ़ने के लिए। लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि भाई मेरे से वादा कर, सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करेगा, उसके बाद तू जाएगा, खेत से ही तू पाठशाला की तरफ जाएगा, छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराएगा, काम ज्यादा होगा अब अगर कभी कभी तो भाई तू क्लास के लिए छुट्टी भी मारेगा और काम पहले करेगा। तो ये सब शर्तें थी, ये सब मान ली गई, ठीक है। अब कक्षा में जब वो गए पहली बारी आनंदा, उनके साथ क्या होता है वहां पे आगे देखते हैं। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अलावा सभी अपरिचित थे, अननोन थे, किसी को नहीं जानता था लेखक। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। कक्षा में कुछ भाई शरारती लौंडे भी थे, शरारती लड़के जिन्होंने लेखक की खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया भाई, उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। मजे तो लेते हैं बच्चे अगर कोई नया आता है तो। बीच के छुट्टी में उस लड़के ने लेखक की धोती की लांग तक खोल दी भाई, इतनी ज्यादा बदतमीजी हो गई। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते रहे। तो आप देख रहे हो कितना संघर्ष हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम जूझ है कि कितना संघर्ष झेला था आनंदा ने। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा, उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से कहकर एक नई टोपी और एक नई चड्डी मंगवा ली और स्कूल चड्डी पहनकर जाने लगा। गणित के जो अध्यापक थे भाई, वो शरारती लड़कों की पिटाई करने लगे, और वो मतलब पिटाई करते थे। इस तरीके से कुछ शरारत कम हुई भाई क्लास में। अब एक यहाँ पे लेखक का दोस्त बना जिसका नाम था वसंत पाटिल। वसंत पाटिल नाम का जो लड़का था ये बहुत होशियार था, पढ़ने में काफी अच्छा था। लड़का जो है ये आनंदा का अच्छा मित्र बन गया, दोस्त एकदम फ्रेंड। आनंदा वसंत को देखकर पढ़ाई में भी मन लगने लगा, ठीक है। आनंदा जब वसंत को देखता तो वो पढ़ता रहता था, आनंदा को भी अब पढ़ाई में मन लगने लगा भाई। अखबारी कागज के कवर भी अब वो अपनी किताबों में चढ़ाने लगा। अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी, उसे भी पाठशाला जाने में भाई मजा आने लगा। अब यहाँ पे श्री सौंदल गेकर जी आते हैं। ये कौन है आइए देखते हैं। श्री सौंदल गेकर जी मराठी अध्यापक हैं, टीचर हैं, वे कक्षा में कविता बहुत मजे से सुनाते हैं। उनकी कविता सुन के सबको मजा आता था, जो भी सुनने वाला है मुग्ध होकर सुनता था। उनके पास सुरीला गला है, छंद की बढ़िया चाल है, रसिकता है, पढ़ना आता है कविताओं को अच्छे से।
तो उनका इंप्रेशन काफी अच्छा था क्लास पे। आनंदा को उनकी कविताएं बहुत पसंद आ गई अपने मास्टर की। जब वह पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाता भाई, आनंदा तो वही कविताएं गुनगुनाता रहता, जिसके कारण कविता में उसकी रुचि हमेशा बढ़ती जा रही थी। अब तो ठीक है, सोंदलगेकर जी भी आनंदा को विशेष रूप से सिखाने लगे। ऐसा होता है, आप किसी टीचर के ज्यादा करीब रहोगे तो वो भी आपको जानने लगते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। श्री सोंदलगेकर जी से ही प्रेरणा लेकर आनंदा स्वयं भी कविता रचने लगा और अपने गुरुजी को दिखाता, ठीक है, कि गुरुजी मैंने ये कविता लिखी है, जिससे कोई गलती हो तो गुरुजी उसे बता देते थे। अब आनंदा की लगन कैसी लगी आइए देखते हैं। वही आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी, कि जब उसके पास कागज पेंसिल नहीं होता था तो भाई वो लकड़ी के टुकड़े लेके भैंस पर भी लिखने लगता था। ठीक है, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा मस्त हो गया था वो लिखने में। ये पत्थर की कभी मतलब शिला वगैरह होती थी, टुकड़े पत्थर वगैरह के, कंकड़ वगैरह से, उस पर भी लिख दिया करता अगर पेन पेंसिल ना मिलती। कभी कभी कविता रविवार के दिन लिख लेता तो कभी सोमवार को सबसे पहले लिखकर अपनी कविता मास्टर जी को दिखाने लगा। यदि वे सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता था कि उसने लिख लिया कविता, तो वो मास्टर जी को उसके घर पे जाके दिखा के आता था सोंदलगेकर जी को। इस कारण आनंदा की जो मराठी भाषा है वो काफी अच्छी हो गई, छंद अलंकार लय इन सब में अच्छे से उसकी पकड़ हो गई। कविता की लगन उसे ऐसी लगी और ऐसी लगी, उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत बजता ही रहता था। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आपने देखा आनंदा ने कैसे स्ट्रगल किया अपनी पढ़ाई के लिए और किस तरीके से वे एक अच्छे कवि भी बन गए, ठीक है, और लेखक भी बन गए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताओ वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।